वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड जय माता दी टू ऑल ऑफ यू. ओके टुडे इज वेडनेसडे आई थिंक बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग ऑन वेडनेसडे एंड इन द लास्ट वीडियो ऑफ द लास्ट वीक आई हैड सेड यू दैट HCF विल बी सेंड टू यू इन अ सिंगल वीडियो इन अ सिंगल होमवर्क फॉर्म. Because you have to understand HCF without any extra topic burden on you. कोई और extra topic आपको नहीं भेजा जाएगा. सिर्फ और सिर्फ HCF. और अगले ही दिन on Thursday सिर्फ और सिर्फ what is composite number and what is prime number. आपको दोनों दिन सिंगल एक्सरसाइज सिंगल टॉपिक. ये वीक है हमारा. जब हमने स्टार्ट किया था ये तीसरा वीक है स्टूडेंट्स जब मैंने साइंस को रोका है. अब ये लास्ट वीक है जब दोनों दिन साइंस आएंगे सॉरी मैथ साइंस. लेकिन आने वाले वीक से वी आर एंटरिंग इन द रिवीजन वीक. ओके तो वी विल एंटर ऑन द रिवीजन वीक. रिवीजन वीक में मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस शीट के जितने सम्स साइंस की प्रैक्टिस शीट के सम्स वी आर गोइंग टू डू. ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड HCF इन अ सिंगल वीडियो इन अ सिंगल टॉपिक फॉर्म ऑन वेडनेसडे. व्हाट इज HCF एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCF. फुल फॉर्म ऑफ HCF इज हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता है कि फैक्टर क्या होता है. ओके फैक्टर्स आर ऑलवेज स्मॉल और इक्वल टू द नंबर. ठीक है मैंने पिछले वीडियो में फैक्टर्स पढ़ाया हुआ है. ओके अब कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स. देखिए दो या तीन नंबर के फैक्टर्स को जब आप लिखो और उनके बीच में सेम फैक्टर कोई आता हो तो उसको हम लोग कॉमन फैक्टर बोलते हैं. और कॉमन फैक्टर्स में भी जो सबसे बड़ा हो उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं. मैं करूंगा ना तो ज्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा. सबसे पहले हम तीन नहीं दो ही नंबर का HCF फाइंड करते हैं. स्टूडेंट्स HCF फाइंड करने के लिए फैक्टर्स फाइंड करना पड़ता है और मैं आपको यहां फैक्टर फाइंड करने के लिए ट्री मेथड बताने वाला हूं. सपोज स्टूडेंट सबसे पहला नंबर 36 है तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेन एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग टू फाइंड HCF द फर्स्ट वर्क इज टू डू द फैक्टर्स. वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दीज टू नंबर्स. द फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36 बाय द ट्री मेथड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ ट्री मेथड वी विल राइट 36 एट द टॉप. 36 को सबसे पहले सबसे ऊपर लिखेंगे. उसके बाद स्टूडेंट्स वी विल थिंक दैट इन द टेबल ऑफ टू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर द टेबल ऑफ टू द लोएस्ट टेबल. हम सबसे छोटे नंबर के टेबल में देखेंगे कि व्हेन 36 इज कमिंग. सो वी आवर माइंड विल क्लिक दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 18. 2 मल्टीप्लाई बाय 18 मीन्स 36 इज कमिंग व्हेन 2 इज मल्टीप्लाई बाय 18. ओके स्टूडेंट्स दिस इज ट्री मेथड जिससे आपको फैक्टर्स पता चल जाएंगे. नाउ फर्दर 18 देन वी विल थिंक अबाउट द लोएस्ट टेबल द स्मॉलेस्ट टेबल इज 2. वेदर 18 इज कमिंग इन द टेबल ऑफ 2 और नॉट. If it is not coming, then we will jump on to 3. Okay. So I think that 18 is coming in the table of 2. Okay. But by dividing which number? 18 is coming in the table of 2 when we divide 9. Okay, students. So here 36 is divided 2 into 18. Now 18 is divided in a tree method 2 into 9 when 9 is 18 2 into 18 is 36. This is the tree method to find the factors of a certain number. Okay students now 9
वी ऑल नो दैट नाइन इज नॉट कमिंग इन द टेबल ऑफ टू. सो वॉट वी विल जंप इन टू द टेबल ऑफ थ्री. सो इन द टेबल ऑफ थ्री वेन वी मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री वेन वी मल्टीप्लाई थ्री विथ थ्री आंसर इज नाइन. सो हियर वी कैन राइट थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री. नाउ हियर वॉट आर द फैक्टर्स. द फैक्टर्स आर टू. द फैक्टर्स आर दीज टू थ्री एंड थ्री. वी कैन राइट दीज फोर नंबर वन टू थ्री एंड फोर. ओके हम इस साइड के ये छोटे नंबर सारे लिखेंगे. मीन्स वॉट वॉट वी विल राइट हियर. वी विल राइट इन प्लेस ऑफ 36 वी विल राइट 36 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 3 2 2 3 3. वी विल नॉट राइट दिस बिग नंबर्स एंड इन द राइट हैंड साइड नंबर्स. वी विल राइट द लेफ्ट हैंड साइड नंबर और इन द लास्ट वी विल राइट द बोथ नंबर्स. मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड के जो छोटे छोटे नंबर्स है ना ये हम सारे आपस में मल्टीप्लाई में लिखेंगे और लास्ट के दोनों लिख देंगे और ये हमारे मेन फैक्टर्स हो गए. क्या हो गया देखिए, 2 2s are 4 4 3s are 12 and 12 3s are 36. दीज आर द फैक्टर्स. दीज आर द प्राइम फैक्टर्स स्टूडेंट्स. दीज आर द प्राइम फैक्टर्स. ओके नाउ 48 वी विल राइट 48 ऑल्सो इन दिस फॉर्म. वॉट वी विल डू हियर, वी विल 48 राइट इन द टॉप. Now, in the table of 2, 48 coming, then we multiply 24 to it. Matlab students, jab hum 24 multiply karenge 2 se to 48 aega. Means this number is 48. Now, 24 is divided further. We will write 2 multiply by 12. Okay students, 12 is divided further. We can write 2 multiply by 6. Okay students, now here two multiply by 24 further, two multiply by 12 further, two multiply by 6 further, two multiply by 3. So see students, this is the tree method to find the prime factors of a number. And we need the prime factors of a number whenever we are going to find HCF. जब भी हम HCF find करने जाते हैं, हम इस तरीके के prime numbers का factors लेते हैं numbers का. Prime number student, what is prime number? We will learn in the next video. But उससे पहले we are going to learn what is the tree method. Tree method आना चाहिए students. 48 तो 48 को किस 2 के टेबल में कितनी बार में आता है, तो 2 into 24 is 48. सो दिस इज इक्वल टू दिस. नाउ 24 फर्दर विल डिवाइड 2 into 12. नाउ 12 विल फर्दर विल डिवाइड 2 into 6. स्टूडेंट जब तक 2 के टेबल में नंबर आएगा ना तब तक 3 पे आपको जाना ही नहीं है. यू आर नॉट अलाउड टू टेक द बिग टेबल्स. यू हैव टू टेक 2 नंबर 3 नंबर टेबल्स. इफ the number is not coming in 3, then you have to jump into 5, not 4. Because the number, if the number is not coming in the table of 2, it will not come in the table of 4 also. So you have to not take 4. Okay. आपको 4 के टेबल भी नहीं लेना, आपको सीधा 5 लेना. 2, 3, then 5, then 7. Okay. तो यहाँ पर 2 के टेबल में ही सारा आ जाएगा, मुझे उतना जरूरत नहीं. Now, अब इतना जब मेरा पूरा हो गया, students, further ये 3 भी छोटा नंबर हो गया, बिल्कुल छोटा. ठीक है, तो ऐसे में क्या, मैंने कहा था कि लेफ्ट साइड के सारे नंबर्स आपको ले लेना. दीज आर द फर्स्ट दिस सेकंड दिस थर्ड दिस फोर्थ. लास्ट वाले का दोनों नंबर ले लेना. सो व्हाट वी विल राइट 48 या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑल द लेफ्ट साइड नंबर्स एंड लास्ट दिस बोथ मल्टीप्लाई बाय 3. ओके so these are the prime factors of 36 and 48. Now after
after finding this, these are the prime factors of 36 and these are the prime factors of 48. Now, what is in common? Common mein kya hai students? This 2 is common. Further, this 2 is common. Now, 1, 3 is common. Okay, so how many common factors are there? Common factors are 2, 2, 1, 2, and 1, 3 is there. Students, 1, 2 जो है दोनों में कॉमन आया, 1, 2 दोनों में कॉमन आया, 1, 3 दोनों में कॉमन आया. जो ये कॉमन आएगा ना स्टूडेंट्स, आप कॉमन गलती क्या करते हो, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 2, 2 है ना, 2, 2 लिखोगे नहीं, ये दोनों 2 आपस में कॉमन है, ये दोनों के जगह पे आपको 1 ही 2 लिखना, इन दोनों की जगहों पे आपको 1 ही 2 लिखना है, इन दोनों की जगह पे आपको 1 ही 2 लिखना है, इन दोनों की जगह पे आपको 1 ही 3 लिखना है. ओके यार, 3 इज कॉमन देयर, 1, 3, 1, 3. ओके, नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट द एचसीएफ. 2, 2 जो 4, 3 जो 12 इज द एचसीएफ. 12 इज द एचसीएफ ऑफ दिस क्वेश्चन. Now this was the example of your book. Now I am going to explain the questions of exercise also. So students, let's start with a new question. Okay, HCF. Students, first of all, हमें क्या करना है ना कि ये दो numbers का HCF find करना है. ठीक है, ये दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक नंबर को ट्री मेथड से हमें सारे 2 और 3 के फॉर्म्स में इसके फैक्टर्स को ले लेने हैं. किस फॉर्म में? 2, 3 के फॉर्म में फैक्टर्स को ले लेने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं ट्री मेथड करूंगा 48 का स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा 48 को सबसे पहले 2 के टेबल में कितनी बार में, 24, 2 × 24 बेटा 48 हो जाता है. फर्दर फिर मैं इसको तोड़ूंगा, 2 × 12, ओके, तो ये स्टूडेंट्स 24 हो जाएगा. 2 × 12 = 24, 24 × 2 = 48. इसको ट्री मेथड बोलते हैं स्टूडेंट्स. इसके सारे फैक्टर 48 के सारे फैक्टर 2 और 3 के फॉर्म में स्टूडेंट्स आ जाएंगे. हमें सिर्फ लेफ्ट साइड वाले नंबर्स को बाद में लिखना है. अब स्टूडेंट्स 12 है, तो 12 को स्टूडेंट्स हम 2 × 6 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ 6 हम इसको 2 × 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं. जब स्टूडेंट्स सब कुछ आ गया, तो आपको अब क्या करना है, जितने लेफ्ट साइड के नंबर है, ये 2 है, ये 2 दो बार, ये 3 बार, ये 4 बार, और लास्ट वाले दोनों ले लेने. ये नंबर स्टूडेंट्स हमारे मेन कॉमन फैक्टर्स, ये मेन हमारे फैक्टर्स होने वाले हैं 48 के फैक्टर्स. तो हम लिखेंगे यहां पर फैक्टर्स ऑफ 48 के फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ 2 and 3. तो देर आर 4 2s and 1 3. सो वी कैन राइट दैट 2 × 2 × 2 × 2 × 3. एंड इट्स स्ट्रेंज स्टूडेंट्स दैट इफ यू विल मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, दीज विल इक्वल टू 48. ओके, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, and 16 3s are students 48. ओके, तो ये आपको फैक्टर्स मिल गया स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ 2 and 3. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 84 बाय द ट्री मेथड. ओके, बाय द ट्री मेथड 84 के स्टूडेंट्स हमें इस तरीके से सबसे पहले हम लिखेंगे फिर से 2 के टेबल स्टूडेंट्स 84 किसके 2 व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 2 विद 42 इट विल बिकम 48. Now then 42 will 2 multiply by 21. Now 21 students, 21 2 ke table mein nahi aayega, it's a odd number. So we will enter, we will jump into the table of 3. So what we multiply by 3? We multiply by 3 by 7. And now 7 is a prime number. Iske ye 7 kisi aur ke table mein aayega nahi. यहां पर बेटा 3 किसी और के टेबल में आएगा नहीं. जब ये दोनों नंबर्स किसी और के टेबल में नहीं आएंगे, सिर्फ खुद के टेबल में आते, तो हमारा ये ट्री मेथड कंप्लीट हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स हियर 2, 2, 3 and 7, दीज 4 आर आवर फैक्टर्स ऑफ 84. सो वी कैन राइट हियर फैक्टर्स ऑफ 84 इज इक्वल टू 2.
multiply by 2, multiply by 3, multiply by 7. Now, what is common between these two factors? What is common between 48 and 84? First of all, 1, 2 is common. Second, 2 is common. 1, 3 is common. Students, 2, 2 and 1, 3. So, common factors. बेटा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा दोनों का? कॉमन फैक्टर्स एक टू कॉमन हुआ, दो टू कॉमन हुआ, सिंस टू टू आर कॉमन एंड वन थ्री इज कॉमन, तो देयर आर टोटल थ्री नंबर्स विच आर कॉमन. और कॉमन फैक्टर से जब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो जितने कॉमन फैक्टर है सभी को मल्टीप्लाई करते हैं. यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज थ्री नंबर्स व्हेन यू फाइंड द एचसीएफ. सो एचसीएफ ऑफ 48 एंड 84 will be 2 multiplied by 2 multiplied by 3. It means 4 multiplied by 3. It means 12. 12 will be the answer. Okay, students, only 3 numbers are in common between 48 and 84. Especially these factors are find by the 3 method like this. Okay, you have to remember, आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि आपको सबसे छोटे टेबल से इसका कॉम्बिनेशन बनाना है, फिर इसका कॉम्बिनेशन बनाना है, इसका कॉम्बिनेशन बनाना है, और बाद में कोई दो नंबर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी और टेबल में बिल्कुल भी नहीं आएंगे. 3 और 7 किसी भी टेबल में नहीं आते, वो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं. यहाँ पर भी स्टूडेंट्स लास्ट टर्म को 2 और 3 मिला, 2 और 3 भी स्टूडेंट्स किसी टेबल में नहीं आते, खुद के टेबल में आते. दिस इज कॉल्ड थ्री मेथड. ये थ्री मेथड अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन में बताऊंगा, सेटअप कर लेता हूं. So students, here is the new question. Third 132 and 165. 132 और 165 का HCF निकालना है. मैंने कहा था कि HCF निकालने के समय सबसे पहला काम ये दोनों के अलग अलग फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं. कैसे निकालेंगे? ट्री मेथड से निकालेंगे. ट्री मेथड कैसा है? तो स्टूडेंट्स ट्री मेथड का नियम ये है कि आपको छोटे छोटे नंबर से उनका कॉम्बिनेशन बनाना है नंबर का. 132 है तो सबसे छोटा नंबर 2, 2 के टेबल में कितने बार में या फिर 2 से आप कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा. तो स्टूडेंट्स ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको टेबल्स अच्छे से याद रखने पड़ेंगे. यू हैव टू डिवाइड 132 बाय 2 तो देयर यू कैन गेट द नंबर के व्हाट नंबर यू विल मल्टीप्लाई टू 2 टू गेट 132. हियर इफ यू मल्टीप्लाई टू 66 यू विल गेट 130. ओके, now further you have to dissociate this 66. So 2 multiply by 33 you will get 66. Now further 33 you have to divide. अब 33 students 2 के टेबल में नहीं आए because it's a odd number. ये 3 के टेबल में आएगा और 3 में हम भी चेक करेंगे कि 3 के टेबल में आएगा. नहीं, बिल्कुल आएगा 3 के टेबल में. 3 multiply by 11. Now students 3 और 11 किसी और टेबल में आने वाला नहीं है. 11 भी किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ खुद के टेबल में आता है. 3 भी किसी के टेबल में आता है, सिर्फ खुद के टेबल में आता है. सो स्टूडेंट्स दीज आर द फैक्टर्स, दीज लेफ्ट साइड नंबर्स एंड दीज पेयर्स. ओके, सो फैक्टर्स ऑफ 132 विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11. ओके okay students, so now here we can write this. Now we have to take the three method for 165. So we all know that 165 is a odd number, so we cannot make a combination with 2. We have to directly make a combination with 3 here. If we multiply 3 by 55, then we will get 165 students. So how do you know about the 55 number? This is very difficult for you. So you have to simply divide by 3, 65 in rough. In rough work, you can divide 3 by 65. You have 65 by 3 to get this number. You will get that what number will be multiplied by 3 to get 165. Okay. Now 55 further is going to be divided. 55 will not come in the table of 2, will not come in the table of 5,
will come in the table of 5, will not come in the table of 3 also. So you have to take directly here 5 and you will multiply 5 by 11. Now you can observe here that 5 and 11 further not coming in the any table. 5 or 11 students kisi bhi table mein nahi aata baage. Then our work is done here. The left side numbers and the last pair. The left side number and the last pair. The left side number and the last pair. Okay. Remember, you have to take the left side numbers and the last pair. Okay, the left side numbers and the last pair. So here are the factors of 165 will be the left side number and the last pair. Here, what is in common? Here common is 3 in both. And what is the another common number is 11. So students, 1 3 and 1 11 is common between these two numbers. So common factors are 3 and 11. Students, all you know that. आपको पता है कि कॉमन फैक्टर्स एक बार जब ऐसे निकल गए कि दोनों में 3 और 11 कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता. सिंपली दिस इज अवर लास्ट वर्क इन दिस क्वेश्चन. टू फाइंड एचसीएफ वी हैव टू मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स एंड वी विल गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ 33. 33 विल बी द कॉमन फैक्टर बिटवीन 132 एंड 165. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एचसीएफ इज डन हियर. दो क्वेश्चंस मैं बता दिया. अब मैं आपको एचसीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए. लेट्स सी. सो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ आर देयर व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ एक स्टेटमेंट में बन जाएंगे आपके एचसीएफ के अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता है. तो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एचसीएफ ऑफ 1 एंड अ नंबर. मतलब कहीं पर भी दो नंबर्स का एचसीएफ पूछा क्वेश्चन आपको और उसमें से कोई एक नंबर 1 है, देन द इज ऑलवेज 1. एचसीएफ 1 ही हो जाएगा. स्टूडेंट, सिर्फ आपको यह स्टेटमेंट लिख देना है, हियर द एचसीएफ ऑफ 1 एंड 7 इज 1 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एचसीएफ. बेटा, एचसीएफ की प्रॉपर्टी होती है कोई दो नंबर्स का एचसीएफ अगर आपको पूछा और उसमें से कोई एक नंबर 1 है तो आपको कोई कैलकुलेशन, कोई ट्री मेथड से फैक्टर्स निकालने की, कोई कॉमन फैक्टर ढूंढने की, कोई कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है. ये सारे मेथड्स नहीं लगाने, सिर्फ सिंपली ये लाइन लिख देना, बोल देना है कि ये सर जी, ये प्रॉपर्टी एचसीएफ का कि अगर एक नंबर अगर 1 हो जाए और दूसरा नंबर कोई दूसरा नंबर हो, कोई पर्टिकुलर नंबर हो और 1, जैसे 1 एंड 7 आपका में एक दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें आपको एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है. बस ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, आपका काम पूरा. नाउ व्हाट इज द सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एचसीएफ? एचसीएफ ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1. अगर दो नंबर ऐसा दिया हुआ जो दोनों प्राइम है, उसका भी एचसीएफ 1 ही होगा. आपको मैं कैलकुलेशन से बचाना चाहता हूं कुछ क्वेश्चंस में. आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है. आप देखें, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ. प्राइम नंबर्स कौन होते हैं वो बता रहा हूं ताकि ये सेकेंड नंबर समझ सको. ऐसे नंबर्स जो किसी दूसरे टेबल में जाते ही नहीं है, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में ही आते हैं, उनका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, 1 और 1 वो खुद, उसके अलावा कोई और नंबर कोई और टेबल में वो नहीं दिखते. जैसे कि 2 1 के टेबल में और खुद के टेबल में ही दिखता है. 3 1 के टेबल में और खुद के टेबल में ही दिखता है. 5 1 एंड 5. 7 1 एंड 7. 11 1 एंड 11. 13 1 and 13. 17 1 and 17. There are lots of numbers which are prime. Prime numbers का मतलब ही होता है exact 2 factors ही होंगे और वो 2 factors में एक 1 होगा और एक वो खुद होंगे, बाकी कोई तीसरे नंबर के टेबल में वो नहीं आएंगे. उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं. स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर का एक्सरसाइज है हमारे पास 2.9.
लेकिन उससे पहले ही बताने की मुझे जरूरत पड़ गई है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि अगर कोई दो प्राइम नंबर्स के बीच का एचसीएफ पूछेगा स्टूडेंट्स, तो वो वन ही होगा। दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा वो वन ही होगा, क्योंकि और कोई कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में होने वाले नहीं है। वन और किसी दूसरे नंबर के बीच में भी कोई भी कॉमन फैक्टर वन ही हो सकता है, इसलिए एचसीएफ दोनों में स्टूडेंट्स वन होगा। सिर्फ एक स्टेटमेंट ये लिख देना है, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी वो क्वेश्चन निकाल के आपको बताता हूं कि आपके एक्सरसाइज में कैसे है स्टूडेंट्स। ये तीन क्वेश्चंस जो है ना स्टूडेंट्स, वो आपके एक्सरसाइज में है, जिसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलता है थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपके एचसीएफ के एक्सरसाइज का, वन एंड सेवन के एचसीएफ को फाइंड करने बोल रहा है। तो आप बोलोगे हियर द वन द फर्स्ट नंबर इज वन, सो द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स, एचसीएफ ऑफ वन एंड सेवन विल बी वन। डायरेक्ट लिख देना बाय द प्रॉपर्टी। यहां पर भी स्टूडेंट्स लिख देना कि भाई एचसीएफ ऑफ 1 एंड 14 विल बी 1। और कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक नंबर अगर 1 हो गया तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एचसीएफ ऑफ 1 एंड अ नंबर इज ऑलवेज 1, हमेशा 1 होगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स 37 एंड 29, 37 एंड 29 दिस बोथ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। आपको प्राइम नंबर्स कम से कम 100 तक में कितने प्राइम नंबर्स है सब याद रखना पड़ेगा। ये 37 और 29 स्टूडेंट्स जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, दोनों प्राइम नंबर्स है। तो आपको लिखना पड़ेगा हियर 29 एंड 37 बोथ आर प्राइम नंबर्स, बोथ आर प्राइम नंबर्स, सो द एचसीएफ ऑफ 37 एंड 29 विल बी ऑल्सो वन, वन ही होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो ये तीन क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए काफी इजी कर दिए। बाकी के पहले दो क्वेश्चन में आपको पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जितने नंबर्स होंगे उनके बारी बारी से थ्री मेथड से आपको 2, 3 और 5 के फॉर्म में उसके फैक्टर्स लिख लेने हैं। फिर लेफ्ट साइड के नंबर्स और लास्ट का पेयर जो है आपको मल्टीप्लाई करके उनके फैक्टर्स के सामने लिख देने हैं। फिर जो उनमें कॉमन नंबर्स आएंगे उनको कॉमन फैक्टर्स करके लिख देना है। उसके बाद वो कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि आपका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा हो गया। मैं एक वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ करवाना चाहता हूं, और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं खुद से करने के लिए। थ्री नंबर्स लास्ट क्वेश्चन, 6 नंबर है जो मैंने यहां नहीं लिखा है। मैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन कराऊंगा, और 8 नंबर जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7 नंबर तक आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, 6 नंबर आपका पर्सनल आपके खुद का होमवर्क है, वो आपको खुद अपने से करना है। 7 नंबर में अभी बताने वाला। सो स्टूडेंट्स, हियर द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर एक्सरसाइज 2.7। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट एक्चुअली डिवाइड्स दिस एंड दिस। इसका मतलब ही यही होता है कि दोनों के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी स्टूडेंट ऐसा शब्द का यूज करे ग्रेटेस्ट वर्ड प्रॉब्लम में, जब भी ग्रेटेस्ट शब्द का यूज करे और इस तरीके से 2 से 3 नंबर दे दे, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ग्रेटेस्ट तो मेरा क्या होता है, फैक्टर ही होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स ग्रेटेस्ट। मैं आपको क्लू दे रहा हूं क्वेश्चन, आपको ऐसा बड़ा नंबर फाइंड करना है जो दोनों को डिवाइड करे, मींस दोनों के कॉमन फैक्टर हो, दोनों का कॉमन फैक्टर वो हो, और वो भी हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो इसको सम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन में बस इतना लिखना है कि वी हैव, हमारे पास क्या है, दो नंबर है 112 एंड 176। ओके, वी हैव टू फाइंड एचसीएफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स थ्रू ट्री मेथड 112। सो बेटा 112 तो 2 के लेवल में आएगा, बट व्हाट टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 56 से बेटा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 हमारा आएगा। नाउ 56 को फर्दर हम करेंगे डिवाइड। अब अगर 2 के टेबल में 56 कितना बार में आएगा बेटा, 28 बार में। ओके, ये आपको फर्दर निकालना पड़ेगा।
आपको 2 से 56 को डिवाइड करना पड़ेगा तो आपको ये नंबर मिलेगा। मैंने आपको पहले भी कहा मैं तो बहुत आसानी से कर देता हूं, बट आपको अगर आपको 2 से ये नंबर को हमने कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो आपको 2 से 112 को साइड में कहीं रफ पेज पे डिवाइड करके मिल जाएगा आपको 56। इफ यू विल डिवाइड 112 बाय 2 यू विल गेट 56। तो आपको अगर यहां पर जो नंबर चाहिए आप डिवाइड कर दो इससे आपको मिल जाएगा। आपको यहां पर जो नंबर चाहिए आप इसको इससे डिवाइड कर दो। नाउ 28 भी बेटा 2 के टेबल में आएगा 14, 2 × 14 = 28। ना 14 भी आएगा 2 × 7, बेटा 7 जो आ गया वो प्राइम नंबर हो गया, मतलब 7 फर्दर किसी और टेबल में आता ही नहीं है। सो ऑल द लेफ्ट साइड नंबर्स एंड द लास्ट पेयर, मैंने कहा था ना ऑल द लेफ्ट साइड नंबर्स एंड द लास्ट पेयर, सो फैक्टर्स ऑफ 112 क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 112 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 7, 2 × 2 × 2 × 2 × 7। ये स्टूडेंट्स हो गए फैक्टर्स हमारे 112 के। अब हम फैक्टर्स निकालेंगे 116 के और यूज करेंगे 176 के और यूज करेंगे स्टूडेंट्स हम प्री मेथड 176। ओके 176 में 2 के टेबल से 88 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 176 आ जाता है। ओके नाउ फिर 88 2 मल्टीप्लाई बाय जब हम स्टूडेंट्स 44 करेंगे तो 88 मिल जाएगा। 2 × 44 विल बी 88। मैंने कहा था कि आपको ये नंबर्स फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी और होनी भी चाहिए स्टूडेंट्स। आपको मैंने कहा कि अगर ये जो बड़ा नंबर है जिसको आपको अगर फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रहा है और आएगा ही, तो आप सिंपली जो आप 2 ले रहे हो क्योंकि आपको पता चल गया कि ये इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 6 है और ये 2 के टेबल से जाएगा। और मैंने कहा है कि ट्री मेथड में सबसे छोटा नंबर 2, अब 2 से नहीं जा रहा है ऑड है तो 3, 3 से नहीं जा रहा तो 5, 5 से नहीं जा रहा तो 7, लाइन से प्राइम नंबर से स्टूडेंट्स यहां लेने हैं आपको। ओके तो ये बड़ा नंबर आपको प्रॉब्लम हो रहा, मैंने कहा कि आपने अगर यहां 2 लिया तो यू जस्ट डिवाइड 6/2 यू विल गेट 88। ओके तो बड़ा नंबर को प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको मैंने आपको रास्ता बताया इन रफ पेज यू कैन डू दैट, यू कैन डिवाइड 2 सिंपली बाय 176 एंड यू कैन गिव दिस आंसर एज 88। नाउ व्हाट विल बी ऑफ 44 दिस इज 2 × 22 विल बी 44 एंड व्हाट अबाउट 22 2 × 11। नाउ स्टूडेंट्स 11 और 2 प्राइम नंबर, 11 और 2 फिर फर्दर 11 किसी और के टेबल में नहीं आएगा, मींस आवर ट्री मेथड इज कंप्लीटेड। नाउ वी हैव टू टेक द लेफ्ट साइड नंबर्स एंड द लास्ट पेयर, लेफ्ट साइड नंबर्स एंड द लास्ट पेयर। सो लेफ्ट साइड नंबर्स एंड द लास्ट पेयर वी हैव टू टेक। सो 176 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 11। ओके तो आई थिंक द कॉमन फैक्टर्स आर 4 टूज, यू कैन दे द फर्स्ट कॉमन फैक्टर, द सेकेंड कॉमन फैक्टर, द थर्ड कॉमन फैक्टर, द फोर्थ कॉमन फैक्टर। द कॉमन फैक्टर्स आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 112 एंड 176 आर 2, 2, 2 and 2, देयर आर 4 टूज आर इन कॉमन। सो अगर आपको स्टूडेंट्स एचसीएफ निकालना है सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस कॉमन फैक्टर्स, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस कॉमन फैक्टर्स 2 × 2 × 2 × 2, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 4 टूज एंड यू विल गेट अ आंसर हियर 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, and 8 × 2 = 16। 16 will be the greatest number with which you will divide 112 and 116 and you will get the remainder 0. So what will be the answer of this 7th number question? It will be 16. Okay, so this question is completed and the exercise is completed. Thank you so much.